27 मई 2024 आईपीएल का फाइनल मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। वेलकम टू क्रिकेट शो में आप क्रिकेट से जुड़ी सारी खबर आपको मिलेगी। तरह एक तरफ सनराइजर्स हैदराबाद जिसकी बल्लेबाजी वर्ष 2024 में ऐसी रही कि उसने अपना आतंक मचा दिया। बेंगलुरु हो या सामने कोई भी टीम हो, सबको एकदम दे छक्के दे चौके की बरसात लगाकर 287 रन जो मारा वो था सनराइजर्स हैदराबाद। वही दूसरी तरफ केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स जिनके पास सुनील नारायण और एंड्रयू रसेल जैसे बल्लेबाज, बेखौफ बल्लेबाज, वही वेंकटेश अय्यर जैसे ऑलराउंडर भी। बल्लेबाजी पहली सनराइजर्स हैदराबाद की थी। ट्रेविस हेड जिनका खौफ था, जिनके खिलाफ सबको लगता था कि गेंदबाजी कराना आसान नहीं है, वही ट्रेविस हेड आज के दिन शून्य रन पे पवेलियन की तरफ लौट गए। बिना खाता खोले वो चलते बने। 9-2-0-1-3 ये था अंक जो है बल्लेबाजों का सनराइजर्स हैदराबाद। मात्र थोड़ी बल्लेबाजी किए, पारी को संभालना चाहे परंतु कुछ खास कर नहीं पाए। केकेआर के जितने गेंदबाज थे वो ताबड़तोड़ तरीके से गेंदबाजी करा रहे थे। मिचेल स्टार्क हो, 2 विकेट चटकाए, हर्षित राणा अच्छी गेंदबाजी कराए, एंड्रयू रसेल सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए। 113 रन पर सनराइजर्स हैदराबाद ढेर हो गए। 19 ओवर भी नहीं खेल पाई थी, 19 ओवर पूर्ण रूप से खेल नहीं पाई और 113 पे ऑल आउट। बल्लेबाजी थी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज का कोई जवाब नहीं, चाहे कोई भी हो, कितना भी खतरनाक गेंदबाज हो, इनके जो ऑलराउंडर बल्लेबाज हैं ये ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी कर ही देते हैं। बल्लेबाजी की शुरुआत गुरबाज किए, उसके बाद बल्लेबाजी करने आए ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर, हर्षद की पारी खेले और केकेआर फाइनल मुकाबला जीतकर वर्ष 2024 के आईपीएल में अपना लोहा मनवाई, अपना परचम लहराए। तमाम टीम थी जो कि अपना अच्छा प्रयास की, परंतु अंततः जो जीत मिली वो कोलकाता नाइट राइडर्स को मिली। हम आशा करते हैं कि आईपीएल 2025 में ये टीम अपनी ऐसी ही जीत बरकरार रखेगी, अपना जलवा बरकरार रखेगी, या तो ये जीतेगी या कोई अन्य टीम इसको हराने में सफल होगी। क्रिकेट से जुड़ी सारी खबर आपको मिलेगी इधर, देखते रहिए क्रिकेट इंशोमिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, प्ले स्टोर पर जाएं क्रिकेट इंशोमिया डाउनलोड करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।